दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाश खौफ में हैं। नोएडा पुलिस ने सिलसिलेवार मुठभेड़ों के बाद 48 घंटों के भीतर 8 अपराधियों को दबोचा है। इनमें से 7 को मुठभेड़ में घायल होने के बाद पकड़ा गया है। न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में दिल्ली का एक लुटेरा भी शामिल है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और ठक ठक गिरोह के 2 सदस्य भी हैं। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि 3 मुठभेड़ों में से पहली मुठभेड़ बुधवार और गुरुवार की मध्य राति को सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन की सीमा में सेक्टर 96 जंक्शन के पास एक नियमित जांच के दौरान हुई। पुलिस ने बताया मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को पूछताछ के लिए रुकने का इशारा किया गया। इसके बाद संदिग्धों ने हाजीपुर अंडरपास की ओर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद उनका पीछा किया गया तो उन्होंने सर्विस रोड पर सिक्का मॉल के पास पुलिस पर गोलीबारी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश अरुण और गौरव को पैरों में गोली लगी और उन्हें पकड़ लिया गया, जबकि तीसरा संदिग्ध जो मौके से भाग गया था बाद में तलाशी अभियान के दौरान उसे भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने तीनों के पास से 1 लाख रुपए नकद, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और गोला बारूद के साथ 2 अवैध हथियार बरामद किए हैं।